स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। तो दो तीन एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं पहले कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। आपने जरूर पढ़ा है कि मून गोज अराउंड द अर्थ, तो मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। या आपने देखा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे या किसी एंगल पे भी थ्रो करेंगे, तो आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट इट फॉल्स। जैसे अगर आपने इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट क्या होगा, वो वापस से नीचे आने लगेगा, ठीक है। या फिर आपने ये भी सुना है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या है, कोई एक फोर्स है ऐसा जिसकी वजह से ये सब एक पर्टिकुलर मोशन कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टोन का, आपकी बुक में एक्टिविटी दी है। स्टोन को हमने एक थ्रेड से टाई किया, आप इस एक्टिविटी को करना चाहें तो स्टोन की जगह इरेजर टाई कर सकते हैं थ्रेड से, ठीक है, और गोल गोल अगर आप घुमाएंगे तो कैसा है, ये सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्यों है, क्योंकि आपने उसको बीच में से, आपने थ्रेड को पकड़ा हुआ है और स्टोन को आप रिवॉल्व करा रहे हैं, तो बीच से सेंटर से एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो स्टोन एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम उस स्टोन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर, ये सपोज आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पर आपने होल्ड किया हुआ है और ये आपका थ्रेड है और ये स्टोन है और ये स्टोन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने इस पॉइंट पे उस स्टोन को रिलीज कर दिया, मतलब उस थ्रेड को रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट, दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस स्टोन। अगर आप यहां पर रिलीज करेंगे, सपोज आप ऐसे घुमा रहे हो और यहां पर आपने स्टोन को रिलीज किया, तो स्टोन यहां पे आप टेंजेंट बना के देखिए, तो ये होगा उस टाइम पे स्टोन ऐसे चला जाएगा आगे। अगर आप यहां पर उसको रिलीज करेंगे, थ्रेड को रिलीज करेंगे, तो उस पर टेंजेंट बना के देखेंगे, तो स्टोन मतलब यहां से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट बना के आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल जाएगा सर्कुलर मोशन में। इसके बाद ये जो हम बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होता है तो हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, जैसे मून का रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ या फिर प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये कैसे एग्जांपल्स हैं जिनमें सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसमें टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने बोला कि सभी ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन पे है, तो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर ऐसे ही जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं इसको मार कर को रिलीज करूंगी तो क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, अपने आप ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो क्यों गिरा, क्यों गिरेगा ये नीचे की तरफ, ये मेरे पास डस्टर है, इसको मैं रिलीज करूंगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ क्यों गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पे, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे मेरा डस्टर और मार्कर, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मुझ में और मेरे मार्कर में, इन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ और एप्पल जो हम एग्जाम्पल लेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, अर्थ और एप्पल, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपने, यू हैव सीन एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है मुझ में और इसमें, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो फोर्स होगा वो मुझे उतने ही फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है जितना इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है। अभी ये विजिबल नहीं है, हम दोनों के बीच केस में ये विजिबल नहीं है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत कम है, इसलिए विजिबल नहीं है। मून और अर्थ, अर्थ और एप्पल के केस में क्या होगा, यू कैन सी एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ बट यू कैन नॉट सी अर्थ फॉलिंग टुवर्ड्स एप्पल। दोनों में सेम फोर्स, दोनों के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में सेम ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एप्पल टुवर्ड्स अर्थ आता हुआ दिखाई देता है और अर्थ टुवर्ड्स एप्पल आती हुई नहीं दिखाई देती। तो देखो, हमने बोला कि फोर्स दोनों के बीच में सेम है, एप्पल और अर्थ, ए फॉर एप्पल ई फॉर अर्थ, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स सेम है, एप्पल अर्थ पे लगाए या अर्थ एप्पल पे लगाए, दोनों के बीच में फोर्स सेम है। फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन अर्थ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एप्पल, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एप्पल का मास स्मॉल एम ले लिया हमने और एप्पल का एक्सेलरेशन ए लिख देते हैं एप्पल के लिए, और अर्थ का मास एम ई और अर्थ की एक्सेलरेशन ए ई, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। यहां पर एप्पल की बात हो रही है, यहां पर अर्थ की बात हो रही है। अब आप मास को कंपेयर कीजिए, एप्पल और अर्थ के मास में से कौन सा बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली? अर्थ का मास इज मच मच ग्रेटर देन द मास ऑफ एप्पल, ठीक है? तो ये मास ज्यादा है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बहुत कम होगा, तभी तो इसकी इक्वल होगा, ठीक है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इनटू क्या करोगे कि ये इसकी इक्वल आ जाए, तो ये बहुत कम होगा तभी इक्वल होगा, ठीक है? समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, इसलिए वी डू नॉट सी अर्थ फॉलिंग टूवर्ड्स एप्पल, बट मास ऑफ एप्पल बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वी सी एप्पल फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी जस्ट बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स, और वो फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सपोज आपके पास दो मास है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स सपोज है d, ठीक है? तो दो दो ऑब्जेक्ट्स है m1 और m2 मास के, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया जाता है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, और जी की यूनिट होगी, यहां से अगर आप जी निकालोगे तो क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ठीक है? अगर आप यूनिट देखेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर, और मास इंटू मास मतलब केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी, यूनिवर्स यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^-11, यूनिट के साथ लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू डिटरमाइन की थी, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, दो तीन मैं करा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज आपके पास जो मासेस हैं उनको अगर हम डबल कर दें, इफ बोथ मासेस आर डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, ठीक है? क्वेश्चन लेते हैं, बोथ मासेस आर डबल्ड, एम वन डैश एम ट्वाइस हो गया और दूसरा बी ट्वाइस हो गया, देन व्हाट हैपन्स टू न्यू फोर्स, what happens to the force acting between the two objects? Force is g m1 m2 upon d square, keeping the distance same. Suppose two objects are m1 m2 mass ke, inke beech ka distance d hai, ab humne mass badha diye, 2m1 kar diya, 2m2 kar diya, inke beech ka distance same rakha, then what will happen to the force, what will be the change in the force? To kya hoga, g m1 dash m2 dash upon d square, m1 dash is 2m1, m2 dash is 2m2 और ये d square, 2 to the 4, बाकी सबको हम एक साथ ले लेते हैं। तो हमारा जो पहले वाला फोर्स था, ये पहले वाला फोर्स था इन दोनों के बीच में, g m1 m2 upon d square, तो कितना हो गया, नया फोर्स, न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, ठीक है? क्लियर? इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज डिस्टेंस इज हाफ, वो जो दो मासेस है यही वाला हमारा केस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने आधा कर दिया, मासेस m1 m2 और डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, तो न्यू फोर्स क्या होगा, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, d डैश, d डैश की जगह हम d बाय 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? तो g m1 m2 एज इट इज अपॉन d स्क्वायर एज इट इज, और नीचे 4 है, 2 का स्क्वायर 4, तो d स्क्वायर अपॉन 4 है, तो अपॉन 4 ऊपर चला गया और फोर्स हमें मिल गया 4 टाइम्स। बाय चांस इन दोनों में सेम हमें आंसर मिल रहा है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, बच्चों को डाउट आ रहा है कि कैसे होगा। सपोज एक मास हमने डबल कर दिया, m1 डैश कर दिया 2m, और डिस्टेंस इनके बीच का डबल कर दिया। इनिशियल कंडीशन क्या है, आपके पास दो मासेस हैं m1 m2,
इनके बीच का डिस्टेंस है डी। अब बोल रहे हैं कि एक मास को डबल कर दिया, दूसरा मास वही है 2m1, दूसरा m2, और इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, तो नया फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द चेंज? फोर्स होगा जी m1 डैश m2 डैश अपॉन डी डैश स्क्वायर। ठीक है, m1 डैश कितना है, डबल हो गया, एक दूसरा मास वही है, अपॉन डी डैश, डी डैश कितना है 2d का स्क्वायर। ठीक है, 2d का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, 2m इंटू m और 2d का स्क्वायर करोगे तो 4d स्क्वायर। ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो ये हुआ जी m1 m2 नेम दिया था मैंने, तो m1 ये m2 अपॉन 2d स्क्वायर। अब इनिशियली फोर्स क्या था, इनिशियली फोर्स था जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यही था ना, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब कितना हो गया, 1/2 कर दो बाहर कंपेयर करने के लिए, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज न्यू फोर्स इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल फोर्स, f/2। ठीक है, f/2 क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इस तरह के बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह का आता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सोचो, इमेजिन करो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सब फ्लोट कर रहे होते हैं, सब लोग स्पेस में, तो यही फोर्स है जिससे हम अर्थ पे बाइंडेड हैं, रुके हुए हैं। इसके अलावा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, रिवॉल्यूशन होता है मून का अराउंड द अर्थ, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो टाइड्स आती हैं अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। ठीक है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल। फ्री फॉल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक इरेजर को रिलीज किया, या डस्टर को रिलीज किया, या मार्कर या पेन या पेंसिल को रिलीज किया, बिल्कुल ऐसे हम अभी रिलीज किया था, हमने ये रिलीज किया, तो हमने क्या बोला, ये है फ्री फॉल में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो, ड्रॉप करते हो। क्या टर्म्स आ सकती है न्यूमेरिकल्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया या रिलीज किया, तो क्या होगा, इट विल बी अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब उस पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है, फ्री फॉल देखो, कोई ऑब्जेक्ट है हाइट पे, यहां से हमने जैसे डस्टर को रिलीज किया तो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, तो यहां से यहां तक जो उसका मोशन है इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जब फ्री फॉल हो रहा है तो यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और रेगुलर बेसिस पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो फ्री फॉल कैसा केस है, यहां पर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स है। क्या, क्यों वो नीचे गया, मैंने डस्टर को रिलीज किया तो नीचे क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये होता है एक्सेलरेशन, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू फिक्स है अर्थ के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कई न्यूमेरिकल्स में हम उसको 10 लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या लें, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में हम क्या लें, कुछ में दिया होता है क्वेश्चन में, तो जो दिया है वही लेना है। अगर नहीं दिया तो आप ये ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में डेटा में कहीं पे भी 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, 7, 14, 49, 98, 28, कुछ ऐसे नंबर्स अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो आप ये यूज कीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और नहीं तो ये यूज कीजिए, अगर कुछ दिया है तो वही यूज करना है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जब वो नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर उसका जो वेट है, वो वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, हम लिख सकते हैं कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफजी मैंने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। वेट क्या होता है, एमजी, वेट अभी हम आगे करेंगे, वेट इज अ फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ पे अगर हम वेट की बात करते हैं, ऐसे अगर मून पे आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए हो और वहां पर हम वेट को डिफाइन करेंगे, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच
ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मून, अगर मून पे है तो, अर्थ पे है तो अर्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं। वेट इज एम जी और यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली फोर्स क्या होता है, जी। यहां पर हम ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं स्मॉल एम और ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ हम ऐसा बना लें, सपोज ये आपकी अर्थ है और ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है यहां से, ठीक है। ये हाइट बहुत कम है, ये हाइट बहुत कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ और जिस हाइट से हमने उसको रिलीज किया है वो बहुत कम है, ठीक है। एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखना, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तभी उसी सिचुएशन की हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इज कॉन्स्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। अगर आप हाइट पे जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, और डेप्थ पे जाओगे तब भी कम हो जाएगी। इट इज मैक्सिमम नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज कॉन्स्टेंट। कंडीशन क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, अर्थ का मास, ठीक है। अब अर्थ तो इतनी बड़ी है तो उसका मास हम कैसे लेंगे, उसका इतनी बड़े ऑब्जेक्ट का मास तो एज्यूम किया जाता है टू बी, क्या पूरा मोबाइल हिल गया मेरा, हाँ भयंकर वाइब्रेशंस, सीवियर वाइब्रेशंस हो गए। कुछ नहीं, हम वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं। वेट होता है एम जी, ग्रेविटेशन फोर्स है जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। तो दो मासेस क्या क्या है हमारे पास, एक है स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक है कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। हम ऑब्जेक्ट और अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ का मास पूरे में स्प्रेड है, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हम एज्यूम करते हैं टू बी कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये हमारा अर्थ का मास हमने एज्यूम कर लिया टू बी कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम आर लेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे ये एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जी एक मास है कैपिटल एम, दूसरा मास है स्मॉल एम, इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, दोनों साइड से एम कैंसिल, तो ये आ गया जी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इनकी वैल्यूज डालें अगर हम, कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन कर दिया है, अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में फ्री फॉल के लिए तो आप पूरा स्टेटमेंट के साथ करेंगे, मैंने ये एकदम ब्रीफ में बता दिया है। अब यहां पर जी की वैल्यू, हाँ चलो इसमें देखो, जी जो है ये क्या है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होना है, दोनों की फिक्स वैल्यू है। अब हम बोल रहे हैं कि आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू भी वैसे तो फिक्स है, लेकिन अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स। तो अगर आप आर की बात करें, ध्यान से देखना, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, तो ये आर कम होगा और ये आर ज्यादा होगा, ठीक है। अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, तो पोल्स के लिए आर कम है और इक्वेटर के लिए आर ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखना, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोल्स पे आर कम है कंपैरेटिवली, अगर आर कम है तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जी ज्यादा हो गया। जी ज्यादा हो गया मींस एम जी ज्यादा होगा, एम जी मतलब वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पोल पे वे किया है तो वो ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली। अब इक्वेटर पे आते हैं, इक्वेटर पे कंपैरेटिवली आर ज्यादा है बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, ठीक है। तो यहां पर रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा मीन्स जी कम बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी जी कम मीन्स एम जी कम, एम जी कम मीन्स वेट कम। तो एक आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि अमित बायज अ गोल्ड, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एंड ही हैंड्स ओवर द गोल्ड एट इक्वेटर टू हिज फ्रेंड, तो क्या होगा, वेट में क्या डिफरेंस आएगा? तो यस देयर विल बी डिफरेंस, कम हो जाएगा। अमित ने पोल्स पे
गोल्ड परचेज किया, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो पोल्स पे हमें पता है वेट ज्यादा आता है कंपैरेटिवली, वही फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड को उसने हैंड ओवर किया इक्वेटर पे अपने फ्रेंड को, तो वहां पे क्या होगा, वेट कम आएगा, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज फ्लैट एंड एट पोल्स. नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ. तो इसमें आपकी बुक में एक्टिविटी दी है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास एक स्टोन है और एक पेपर है, प्लेन शीट ऑफ पेपर, दोनों को हम रिलीज करेंगे यहां पर, एयर यहां पर रिलीज किया दोनों को, तो क्या होगा, स्टोन जल्दी गिर जाएगा और पेपर धीरे धीरे गिरेगा. तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी शीट ऑफ पेपर है उसका एरिया ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे गिरेगा. अभी सेम चीज अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को वैक्यूम में रखें, एक जार ले लें, एक बड़ा सा कंटेनर ले लें जिसमें वैक्यूम है, मतलब एयर पूरी हमने निकाल दी है वैक्यूम पंप की हेल्प से, और दोनों को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, दोनों बोथ विल फॉल एट द सेम रेट. तो वैक्यूम में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप रिलीज करते हैं, कितना भी मास हो उनका, दोनों सेम रेट से गिरेंगे, क्योंकि फ्री फॉल, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास पे तो डिपेंड ही, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है. किस किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल जी विच इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम विच इज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, एंड कैपिटल आर, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट, 6.4 × 10⁶ मीटर. चलो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो सेम रेट से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वैक्यूम में आप लेते हो तो सेम रेट से वो गिरते हैं नीचे, फ्री फॉल होता है, ठीक है. तो यहां पर जब भी फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन सभी इक्वेशंस में ए को आप रिप्लेस करोगे बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जब भी फ्री फॉल का केस हो और आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, तो आप यूज करेंगे ए की जगह पर जी. अब जी ए को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, जब आप मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ये तो पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है. अगर मोशन उसके अपोजिट में है तो आप जी को लोगे नेगेटिव, और अगर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में मोशन है तो आप जी को लोगे पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में. नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट. मास और वेट के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट, दैट इज मास, लिख लेना. और वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो मास, और मास की यूनिट होती है केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन. एक और चीज, मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, कहीं पे भी आप चले जाओ, अर्थ पे, मून पे, स्पेस में कहीं पे भी चले जाओ, मास विल नेवर चेंज. और वेट डिपेंड्स ऑन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी. मास तो चेंज नहीं होगा, वेट क्या होता है, मास को हम लेते हैं एम और वेट को लेते हैं एम जी, ठीक है. तो एम जी विल डिपेंड ऑन, वेट विल डिपेंड ऑन जी. जी अगर कम है, जैसे मून पे अगर आप गए, सपोज चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप अर्थ पे आपका मास है 60 kg सपोज, तो मून पे आपका मास कितना होगा, कितना होगा मास, उतना ही रहेगा, मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है. मून पे भी मास 60 kg रहेगा. अब वेट कितना होगा, सपोज अर्थ पे अगर मास 60 kg तो वेट कितना होगा, एम जी होता है, ठीक है, 60 × g को अभी हम 10 ले लेते हैं, तो 600 newton वेट है, ठीक है. मास और वेट में डिफरेंस भी समझ में आ गया यहां से. अब वेट ये तो हो गया अर्थ पे, मून पे वेट कितना होगा, एम जी, जी कितना मून पे, ठीक है. जो अभी हम आगे करने वाले हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वो यहां पर भी हम ले रहे हैं. मास हमारे पास है 60 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या होती है, अर्थ की 1/6 ऑफ जी, मतलब 60 × 1/6 ऑफ जी, मतलब 10, ठीक है, 6 × 10 = 60, तो ये आ गया 100 newton. दैट मीन्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून
कितना हो गया, कम हो गया, 1/6 हो गया। अर्थ पे जितना था, अर्थ पे 600 था, तो उसका 1/6 कर दोगे, 100 मून पे आ गया। ठीक है, सो वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सपोज आप सेंटर ऑफ अर्थ पे गए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप अर्थ के सेंटर पे गए, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो हो जाता है, तो वेट कितना हो जाएगा, मास हमारा 60 kg है, जी जीरो, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे हमें मिला मास 60 kg का वेट, 600 newton, मून पे मिला 100 newton, और सेंटर ऑफ अर्थ पे हमें मिला जीरो। ऐसे स्पेस में आप चले जाएं तो वेटलेसनेस फील होता है, भारहीनता, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपका वेट ही नहीं है, क्योंकि जी जीरो हो जाता है, इसलिए हमें वेट जीरो फील होता है। नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट होता है फोर्स, और फोर्स होता है जी m1 m2 upon r square। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें जिसका मास m है, और मून का मास कैपिटल m, यहाँ पर स्मॉल m डाला है, मास ऑफ मून के लिए, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, g मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, यही फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मून। तो ये हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। और अगर अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे लेके जाओ, तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हम रेडियस ऑफ अर्थ ही लेंगे, ऑब्जेक्ट बहुत थोड़ी सी हाइट पे है, h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस, तो हम अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस को रेडियस ही ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू जी m1 m2 upon r square। एक है मास ऑफ अर्थ, दूसरा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं मून पे कितना होगा, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा जो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जी एम 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 अपॉन आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हुआ जी मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा टर्म आगे वाला। ठीक है, कैपिटल जी कैंसिल, स्मॉल एम कैंसिल, बचा मास ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, नीचे है रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मास ऑफ अर्थ, इनको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 1/6। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, जिसको हम यहाँ यूज कर चुके हैं। ठीक है, थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स, और प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। इस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन कैमल वॉक, कैमल कैन इजीली वॉक ऑन डेजर्ट। तो कैमल के जो फीट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फीट ब्रॉड होते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, फीट ब्रॉड होंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा एंड उसका फीट विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन, आर्मी टैंक के जो कंटिन्यूस चेन होती है, आर्मी टैंक के जो व्हील्स होते हैं कंटिन्यूस चेन होती है, तो कंटिन्यूस चेन होती है क्यों होती है, कंटिन्यूस चेन होने से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा और प्रेशर कम लगेगा एंड दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। इसके बाद क्वेश्चन बनता है ट्रक और बस, इनके भी आपने टायर देखे होंगे बहुत ब्रॉड होते हैं, ट्रैक्टर्स के भी जो एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज करते हैं उन ट्रैक्टर्स के भी बहुत ब्रॉड टायर्स होते हैं, तो ब्रॉड टायर्स होने से क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा एंड दे विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। नेक्स्ट, कटिंग टूल्स में आपने देखा शार्प एज होता है, कटिंग टूल्स जैसे नाइफ आपने ले लिया तो शार्प एज और ब्लंट एज होता है, तो अगर आप शार्प, अगर ब्लंट एज से कट करोगे तो आपको चॉपिंग करने में मुश्किल होगी वेजिटेबल्स फ्रूट्स को, अगर आप शार्प एज से कट करोगे तो आप इजिली चॉप कर सकते हो, क्यों, कटिंग टूल्स के पास शार्प एज होती है ताकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा एंड वी कैन इजिली कट चॉप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके बाद अगर हम अपनी बात करें कि वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ऑन सैंड विथ अवर फीट, टू अपने दोनों पाओं के साथ हम खड़े हैं, एक पाँव के साथ खड़े होते हैं पहले, फिर दो पाओं के साथ खड़े होंगे, ठीक है, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, तो क्या होगा, उसके बाद हम लेट जाएंगे, तो अगर जब एक पाँव के साथ खड़े हम तो ज्यादा सिंक होंगे क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम, दो पाँव के साथ खड़े हैं सैंड पे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा, कंपैरेटिवली कम सिंक होंगे, और अगर हम इफ वी लाई ऑन द सैंड तो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और ज्यादा होगा, प्रेशर और कम हो जाएगा एंड आप नीचे नहीं धंसोगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स।
प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जो भी फ्लू जो भी चीज फ्लो करे दैट इज फ्लूइड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आपने फ्लूइड में रखा है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हम मग ले लेते हैं एक पानी में, तो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स और ये साइडवेज फोर्सेस. ठीक है, सब तरफ से ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में रखा तो उसके ऊपर सब तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं. जो साइडवेज फोर्सेस हैं बीइंग इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसिल आउट. सिर्फ ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, इसी से हम बॉयंसी वगैरह पढ़ने वाले हैं अभी. तो साइडवेज फोर्सेस क्लियर है कि कैंसिल हो गए. और इसमें एक चीज और, साइडवेज फोर्सेस कैंसिल आउट बीइंग इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को सपोज यहां रखा हमने ऑब्जेक्ट ए, और फिर ऑब्जेक्ट को हम यहां पे लेके आए बी पोजीशन पे, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, पढ़ा है ना 8th क्लास में, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. तो यहां पे प्रेशर कम होगा और यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा. अगर हम यहां की बात करें प्रेशर एट ए और यहां पर प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. अब एक पर्टिकुलर डेप्थ की बात करें, सपोज हम यहां पर हैं, तो इस पर्टिकुलर डेप्थ पे सेम प्रेशर रहेगा. ठीक है, और यही पास्कल लॉ है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे सेम प्रेशर रहता है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो भी वो जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो साइडवेज फोर्सेस थे वो तो कैंसिल हो गए, अब जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है इनकी हम बात करते हैं. तो जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको हम फिर से बनाते हैं एक बार. ये ऑब्जेक्ट हमारा है जो पानी के अंदर है, ठीक है, इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज mg, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट u से डिनोट कर सकते हैं या बॉयंट फोर्स b से डिनोट कर सकते हैं या फिर fb, बॉयंट फोर्स के लिए ये सब हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट को आपने इमर्ज किया है इन एनी लिक्विड तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मेनली दो फोर्सेस लग रहे हैं, साइडवेज फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो गए बीइंग इक्वल एंड अपोजिट. ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा है अपथ्रस्ट एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी सब एक ही है. अब हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं. अब डेफिनेशन देख लें, जो अभी हमने बोला कि अपथ्रस्ट है बॉयंट फोर्स है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है और बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी होता है टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज बॉयंसी एंड द अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स. हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके पास एक मग है और हमने उसको एक बकेट में पानी भरी बकेट में अंदर डाल दिया है और मग में भी पानी है. तो अब जो मग में पानी है और आप उसको बकेट फुल ऑफ वाटर से उस मग को उठा रहे हो आप, तो जब तक वो पानी के अंदर है तब तक आपको लाइट लगेगा, हल्का लगेगा, और जैसे पानी के बाहर लेके आए उस मग को फुल ऑफ वाटर तो क्या लगेगा आपको? वो भारी लगेगा. ऐसा क्यों हुआ? हल्का क्यों? भारी मतलब जो ओरिजिनल वेट है उतना लगेगा आपको बाहर, और जब पानी के अंदर हम थे, जब पानी के अंदर हम मग को उठा रहे थे तो हमें हल्का लग रहा था बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट. तो जब पानी के अंदर मग था तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड फोर्स वेट mg लग रहा था, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा था इसलिए वो हमें हल्का लगा. ठीक है, अपवर्ड फोर्स की वजह से वो हमें हल्का लगा और हम उसको इजीली उठा पाए. अब शिप की बात करते हैं. शिप पे क्वेश्चन बनता है कि शिप तो स्टील की बनी हुई है, आयरन स्टील की बनी हुई है, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, तो ये शिप कैसे फ्लोट कर कैसे पानी पे फ्लोट कर सकती है? अगर हम एक शिप माने और एक उतना ही ब्लॉक ऑफ स्टील या आयरन माने, एक स्टील की शिप और एक हम एक स्टील का एक ब्लॉक उतना ही साइज का, अप्रोक्सीमेटली उतना ही साइज का मतलब वैसा ही ले लेते हैं, फुल मतलब सॉलिड, एक सॉलिड ले लेते हैं हम और एक हमारा एक शिप है. ठीक है, तो कौन सिंक होगा, कौन फ्लोट करेगा? ऑब्वियसली ये सिंक करेगा, ये फ्लोट करेगा. अब क्वेश्चन है कि ये फ्लोट क्यों करेगा जबकि ये भी स्टील से बना हुआ है, स्टील की डेंसिटी भी ज्यादा होती है वाटर से, स्टील की कोई भी चीज फ्लोट क्यों करती है? जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक हो जाएगी, अंदर चली जाएगी पानी के.
ठीक है, तो ये फ्लोट क्यों करती है? बिकॉज एवरेज डेंसिटी यहाँ पर कम है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इन द शिप एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो इट फ्लोट्स इन वाटर। इसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमने एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ली है और उसको पानी में अगर आप डालोगे तो क्या होगा, वो ऊपर ही फ्लोट करेगी। अगर हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको पानी के अंदर लेके जाके वापस छोड़ देंगे तो वापस से वो ऊपर आ जाएगी। तो वो ऊपर क्यों आई? बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी, बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन बुक में आपकी, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट या सिंक क्यों करते हैं व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? इसी को हम लेते हैं, हम तीन केस लेते हैं, यहां पर तीन कंटेनर्स ले लेते हैं जिनमें वाटर फिल है। सपोज एक केस ऐसा जिसमें ऑब्जेक्ट बॉटम पे आ गया, सिंक हो गया, एक केस ऐसा जिसमें ऑब्जेक्ट इज पार्टली इमर्स्ड, और एक केस ऐसा जिसमें ऑब्जेक्ट फुली इमर्स्ड। तो ये तीन केस हैं। ये ऑब्जेक्ट सिंक क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने डी लिखा है डेंसिटी के लिए, ओ ऑब्जेक्ट के लिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए ये ऑब्जेक्ट सिंक हो गया। जैसे आयरन नेल को पानी में आप डालोगे तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वाटर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अब हम वेट और अपथ्रस्ट की बात करें, यहां पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंक हुआ मींस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। अब हम ये वाला केस लेते हैं जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, वेट और अपथ्रस्ट इक्वल होंगे और ऑब्जेक्ट विल फ्लोट फुली इमर्स्ड। फ्लोट तो कर रहा है लेकिन पूरा इमर्स्ड है वाटर में। ठीक है, तीसरा केस, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है देन वाटर, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और पार्टली इमर्स्ड होगा। और यहां पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन अपथ्रस्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, हमने एक स्टोन लिया है और उसको रबर स्प्रिंग से या स्प्रिंग बैलेंस से टाई करा किया है और एयर में रखा है। तो स्प्रिंग बैलेंस पे अगर हमने टाई किया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस से टाई किया हुआ है, तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी, स्टोन की जितना भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग आएगी। ठीक है, अब हम इस सेटअप को हम पानी में इमर्स करेंगे तो क्या होगा, रीडिंग थोड़ी सी कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि वाटर उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ लिक्विड, तो लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ है, जैसे ये हमने इमर्स किया है वाटर में, तो इसको जब हमने इमर्स किया है वाटर में तो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसको जब आपने पानी में डाला तो कुछ फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा, तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहां पर भी जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। कंपेयर करोगे तो यहां पर फ्लूइड कम डिस्प्लेस हुआ क्योंकि कुछ पार्ट बाहर है। ठीक है, तो यहां पर अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। अभी में फॉर्मूला तो वही रहेगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद है एप्लीकेशंस। शिप डिजाइनिंग में यूज करते हैं हम इसको, इस कंसेप्ट को हम शिप डिजाइनिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा लैक्टोमीटर्स टू डिटरमाइन प्यूरिटी ऑफ मिल्क, और हाइड्रोमीटर्स में भी हम इसको यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर्स में डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम हाइड्रोमीटर्स यूज करते हैं, और मिल्क की प्यूरिटी चेक करनी है तो हम लैक्टोमीटर्स यूज करते हैं।